प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव भवन में प्रदेश कार्य समिति और विभिन्न संगठनों मोर्चों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों के द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। देश के तमाम बड़े नेताओं से और कार्यकर्ताओं से प्रदेश की नई कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का परिचय करवाया गया और इसके बाद बैठक शुरू हुई। इस कांग्रेस दौरान कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस चुनावी साल के बीच कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसी ही होगी। इस दौरान प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता मंत्री विधायक अलग अलग इलाकों में जाकर संपर्क करेंगे। कुल 3 तारीख को जब हमारा अधिवेशन भी होगा विधानसभा का, 3 तारीख को एक बड़ी रैली हम करेंगे और आरक्षण का जो मुद्दा है उसको हम लोगों के दरबार में लोगों के बीच में रखेंगे। ये तासीर तो ऐसी है कि हमारा देश ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि तासीर हमारी हम सारी उम्र सीखते रहते हैं। अपने ही देश से, अपनी ही संस्कृति से हम सारी उम्र सीखते रहते हैं। यही तो ब्यूटी है, सीखेंगे और जानेंगे और लोगों के बीच में हम रहेंगे।